भाई हम लोग आ चुके हैं भाई अड्डे पे, झांसी लाइन आ गए हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। मथुरा नहीं, कहाँ मथुरा जाना है? मथुरा नहीं, कहाँ मथुरा जाना है भैया? हम लोग मथुरा चलेंगे, उसके बाद से वहाँ का आगरा के बाद जाएंगे सुबह ट्रक में। बने रहिएगा, अच्छा अच्छा सीन देखने को मिलेगा, खूब क्लिप। तो चलिए मिलते हैं वीडियो का रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे एक बात आ गए स्टेशन पे और सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, देखो मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, पर इसके साथ थोड़ा थोड़ा सीख ले रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें यही है कि हम लोग अच्छे से जर्निंग कर लें और अच्छे से पहुंच जाए, हम लोग जितना एक्सप्लोर करें और अच्छे से कर लें। भाई हम लोग भी ट्रेन आ चुकी है जयपुर एक्सप्रेस। सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। हेलो सर, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब। किसे आप बात कर रहे हैं? खिड़की से बाहर निकला है अभी भी भैया। हम लोग आज के मथुरा जंक्शन में भैया, तो यही से भीड़ देखो चाँप के आज, अभी और आएगी, भीड़ बढ़ेगी। अभी तो सुबह का ही सीन है ना, इसलिए बने रहो भाई जीते का सब। भैया हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से, इधर रोड की ओर चढ़ के गाड़ी सब बस जा रही है। अरे फ्रेंड है उसके, भैया रहते हैं यहाँ पे, तो उसके रूम पे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग आ चुके हैं भैया के घर पे, हम लोग को होटल नहीं मिल रहा था। एक्चुअली क्या है कि जन्माष्टमी है आज और कल मनाया जाएगा, तो इसके कारण सब होटल बुक हो चुके हैं, और जो मिल रहे थे होटल उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो सोचा कि चलते भाई के यहाँ पर रुक जाते हैं फिर, तो फ्रेंड का भाई का घर है तो हम लोग भाई सब लोग कल किला जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं यहाँ पे, हमारा भाई गुलशन टुटू, क्या करते टुटू? तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कल का किला। भाई ऑटो कर दिए मार्केट, हम लोग एंटर कर चुके हैं ये घाट के साइड, कंस किला जा रहे हैं हम लोग, मुझे बताया था पूरी तैयारी चल रही है जन्माष्टमी की, कपड़े उपड़े सब। गाइज गाइज हम लोग आ चुके हैं गाइज कंस टीलो टीलो पर, ये दिखाते हैं भाई, बड़ा ऊपर से चढ़ाई यार, अभी बहुत चढ़े हैं भी हैं, बहुत उतरे भी हैं, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं, थक गए। तो चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं किले पे, हम लोग थोड़ा चढ़े हैं, और ये यमुना
नदी है और ऊपर चढ़ेंगे। भैया ये टॉप पे है किले के, चार्ज 50 रुपये है, वो साइड पे लेके जाएंगे फिर साइड से इधर लेके आएंगे वहाँ पर। यमुना जी की बोटिंग है, ये किला था भैया, यहीं पे थे हम लोग, अभी टॉप पे भी नीचे आ गए। राधे राधे इधर चले, ये स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा। तो ये भीड़ बढ़ रही धीरे धीरे और प्रशासन भी धीरे धीरे टाइट। अंकल जी की दुकान है, मस्त पेड़ा बन रहा है इधर। कैसे है पेड़ा? 240। चलिए अच्छा ताजे बना दें। अरे बिल्कुल राम घाट से विस्तार। विश्राम घाट में तो बड़ी भीड़ है यार। हाँ तो अखिल कुछ नॉलेज दे रहा था। तो दोस्तों ये विश्राम घाट इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहाँ आए थे और यहाँ पे विश्राम किए थे, तो इसलिए इस घाट का विश्राम घाट नाम पड़ा है। ठीक है बाकी और समझ गए भैया, इसीलिए जानकारी आपकी डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन भैया लिख नहीं पाएंगे तो बोलना था भैया। न्यू सब्सक्राइबर मिल गया है हमारे, बहुत देर से देख रहे थे बैठ के, ये सब न्यू सब्सक्राइबर हैं। मुर्गी की धुन पे
प्राचीन पुराने गिरराज है गोवर्धन टेम्पल जो है ये प्राचीन गिरराज है। ये गोपाल सुंदरी माता है देवी है, ये भी हमारे उसमें वृक्षवादी को उसमें एंटर है। ये प्रयागराज प्रयागराज लड़की हो पाँच पाँच घूमने आए हो, कहाँ रुके हुए हैं? भैया रहते हैं उनके, भैया रहते हैं। ये देखो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुछ आपकी मतलब जो आपकी इच्छा हो। अरे अंकल जी वो पढ़ने लिखने भगवान की दया हमारा केवल ये भजन करते हैं, कोई याचना नहीं करते हैं, तुमको परपूर्ण आशीर्वाद करते हैं, याचना नहीं करते। भोलानाथ जो है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे ही दर्शन सबरे दर्शन करो। इसके आगे मथुरा देवी का मंदिर है, इनके आशीर्वाद आप जो मथुरा की जो देवी है वो है मथुरा देवी, वो भी इसी अंतरग्रही मार्ग में आएंगी अभी इससे आगे। और फिर दीर्घ विष्णु मंदिर है सामने, सब तुमको बतला रोड पे जब निकल जाओगे दीर्घ विष्णु मंदिर है। आप दर्शन करते हुए जो है फिर चौक बाजार होते विश्राम घाट भी जा सकते हैं और जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हैं। जहाँ तक आपका मन करे दर्शन, ये भी गिरिराज जो है हमारे ये पुराने गिरिराज है हमारे पुरखों के बड़ों के पुराने समय से यही के बासिंदा है। बहुत से आदमी यहाँ आते हैं गोवर्धन टेम्पल, तो हम यही है हमारा टेम्पल तो गोवर्धन टेम्पल। अब चार बजे साढ़े चार बजे श्रृंगार होता है, इस समय श्रृंगार होंगे अब थोड़ी देर में, भगवान रेडी है। श्रृंगार में एक घंटे का समय लगता है ये कम से कम। हाँ तो उसमें ये है आप द्वारकाधीश चले जाइए, इस समय खुलने का टाइम नहीं, नहीं चार बजे खुलती है अगर चार के बज रही है इसके अंदर से करते आई हो एक बार हमारे मन हाथ जोड़ के दंडवत करके जाना कर रहा है नहीं भाई हमको पता नहीं। और जो मन में हो नहीं वो कह जाना इनसे, ये परिपूर्ण कर देंगे। जाओ we